नमस्कार स्पाइस एंड नाइस किचन में आप सभी के स्वागत है। आज मैं वेज एंड नॉन वेज चाट बना रही हूँ दोनों। जिनको वेज खाना है वो वेज बना सकता है, जिनको नॉन वेज खाना है वो नॉन वेज बना सकते हैं। तो मैं दोनों आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप सबको पसंद आए तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और इसको टाट बोलते हैं और ऐसे इसको भी किस भी बोलते हैं। ये न्यू ईयर में बहुत ही अच्छा लगता है। न्यू ईयर के लिए ये स्पेशल आप सबके लिए बनाया है। आप सब भी बना के खाइए। आपका कैसे बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ना भूलना। आज मैं ब्रोकली और कॉर्न किस बना रही हूँ। उसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है ये, और एक कप वजन से 200 ग्राम है। ये घर का चाय वाला कप है, थोड़ा बड़ा कप है, तो ये 200 ग्राम है, 400 ग्राम है। मैंने दो बनाऊंगी, एक वेज और एक नॉन वेज। सॉल्ट टू टेस्ट, नमक स्वाद अनुसार मैं डाल रही हूँ इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच। ये मेरा चम्मच है, इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। आप चाहे तो बटर डाल सकते हैं इसमें। घर में ओवन नहीं है, मुझे तेल डाल दिया है। आप इसको हल्का हाथों से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। ये ऑयल जो है अच्छा से मिक्स कर लिया है मैंने। 4 चम्मच ऑयल लिया है और लास्ट में 1 चम्मच ऑयल लिया था। ये देखिए, इसको बाइंड ऐसे मुट्ठी बनाने से मुट्ठी हो रहा है, तो इस स्टेज पे ये परफेक्ट है क्रिस्पी बनाने के लिए। आप चाहे तो इसमें अंडा का योग भी डाल सकते हैं। ये पानी जो है मैंने 1 कप से थोड़ा कम लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा डाल के गूंद के एक सॉफ्ट डो तैयार करूंगी। कितना पानी लगता है अब चेक। ये मैंने इसका एक सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। पानी मेरा थोड़ा सा बच गया है, पानी 1/4 कप बच गया है, मतलब आधा कप करीब पनीर लगा है ये आटा गूंद लगाने में। अब इसको मैंने फ्रिज में 5 से 7 मिनट के लिए रख दूंगी। थोड़ा सा अभी बहुत ठंडा है, तो 5 से 7 मिनट के लिए ये काफ़ी ठीक रहेगा। गर्मी के टाइम बनाते हैं तो इसको 15 से 20 मिनट रखना पड़ता है। मैंने एक प्लास्टिक से इसको कवर कर दिया है। अब इसको 5 से 7 मिनट इसको फ्रिज में रख रही हूँ। ब्रोकली का जो है ये फूल वाला हिस्सा लेना है, ये वाला हिस्सा नहीं लेना है, बिल्कुल छोटे छोटे। ब्रोकली मैंने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। एक कॉर्न का, स्वीट कॉर्न का दाना मैंने थोड़ा सा ले लिया है। एक प्याज को छोटा छोटा काट लिया है। ये 2 से 3 चीज़ क्यूब मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये अमूल का प्रोसेस चीज़ है, आप चाहे तो चीज़ ब्लॉक भी ले सकते हो। ये सब्ज़ी फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ ताकि जो है जले ना। ये थोड़ा सा मैंने एक टुकड़ा बटर डाल दिया है, इसको अच्छा से पिघलने देंगे। प्याज जो काट के रखा था वो डाल देंगे। हो गया है, इसमें जो कॉर्न दिया था वो डाल देंगे। ब्रोकली भी साथ में डाल दूंगी इसमें। ये ब्रोकली भी मैंने डाल दिया है, इसको थोड़ा सा हल्का सॉटे कर लेंगे। ये छोटे चम्मच काली मिर्ची पाउडर, एक नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। अब गैस बंद कर देंगे, सब्जी हो गया फ्राई। मैंने फ्रिज से 5 से 7 मिनट रखा था, अब इसको निकाल लिया। थोड़ा सा इसको मसाल लेते हैं। अब इसमें से मैंने 2 बनाना है, इसे काट लूँगी। एक हिस्सा रख दूँगी, सा मैदा छिड़क के इसको अच्छा से। ये
एक राउंड सर्कल में इसको बेल लूंगी अच्छे से। ये मैंने एक मीडियम टिन लिया है, ये फाइव टिन है, ये लिया है मैंने। अब मैंने इसमें 2 से 3 ड्रॉप तेल डाल रही हूँ और एक टिश्यू की सहायता से इसको चारों तरफ ग्रीस कर लूँगी अच्छा से। थोड़ा सा मैदा की छिड़क लगा के मैं ये वाला बेस जो है नीचे रखूँगी टिन की, तो इसमें थोड़ा सा मैदा और उसमें तेल लगाया हुआ है और इसको बेलना की सहायता से इसको रोल करके टिन में इसको रख के अच्छा से इसको दबा के और इसका थिकनेस जो है बराबर ऐसे है, ये देखिए 1/4 इंच की तरफ है। और उंगली की सहायता से इसको अच्छा से दबा देना है, इसको ऐसे उंगली के सहायता से अच्छा से दबा के इसको और ये जो साइड बचा है इसको अच्छा से काट लेंगे बेलना की सहायता से अच्छा से। ये मैंने 2 टिन रेडी कर लिया है। अब मेरा ये थोड़ा सा बचा है, इसमें छोटा छोटा मैं किस बना लूँगी इसका। मैंने ओवन को फ्री हीट करके रखा था, इसमें मैंने 10 से 15 मिनट के लिए ये डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा पेस्ट्री को थोड़ा क्रिस्पी करवाएगा पहले डालने से। मैंने ये फ्रेश क्रीम लिया है 250 ml। इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच दही डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा से बेक कर लेंगे। नमक स्वाद अनुसार, 1/4 चम्मच काली मिर्ची पाउडर, थोड़ा चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा सा ऑरिगानो लेंगे। अब इसमें मैंने चीज डाल के इन सबको अच्छा से मिला लिया है मैंने। ये मैंने एक एक करके निकाल के इसमें मसाला डाल के फिर एक एक करके फिर डालूंगी, तो मैंने अभी एक निकाल रही हूँ। ये हो गया है, 15 मिनट हो चुका है, इसको थोड़ा सा पक चुका है। इसमें पहले मैंने ये ब्रोकली और कॉर्न का मिक्सचर डाल के इसमें अब इसमें मैंने जो वो चीज और उसका ये बना के रखा है ये डाल दूंगी। ये भेज है, अंदर रखने जा रही हूँ। इसको 1/2 घंटा रखना है ओवन के अंदर। सेकल लिया है, इसमें मैंने 2 मीडियम साइज अंडा डाल दी हूँ।
और इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। अंडा फेट चुका है, बोल दिया है। इन सबको अच्छा से मिला लिया है मैंने। ये मैंने अंडे में सारे सब्जी और डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, सब कुछ डाल दिया है। अब इसी को मैंने उस पैन में डाल के अच्छे से सेकंड वाला भी मैंने ओवन के अंदर डाल दिया। और अब उनको बंद कर दिया है। अब आधे घंटा लगेगा इसका, मैंने टाइमर ऑन कर दिया है। आधे घंटे के बाद देखते हैं, बीच में मैं चेक कर लूँगी थोड़ी सी। ये वेजिटेबल वाला हो गया है शायद। इसको चेक करने के लिए मैंने एक स्टिक लिया है, जैसे केक चेक करता है ऐसे ही चेक करते हैं। तो ये स्टिक जो है क्लीन आ रहा है, वो हो गया है। उसको निकाल लेते हैं। अब दूसरा छोटा छोटा वाला डाल के अच्छा से पका लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और ये ऊपर वाला भी बहुत क्रिस्पी हो गया है। इसको डीमोल्ड कर रहे हैं। हो गया डीमोल्ड इसका। अब इसको काट के ये देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा से बना है। ये भेज वाला है, अंडा वाला बन रहा है अभी। इसको मैंने, ये अंडा वाला भी हो गया है शायद, इसको चेक करके देखते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल क्लीन आ रहा है, तो ये पक चुका है। निकालेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा है अंडा वाला। ये देखिए ये अंडा वाला है, ये नॉन वेज है। पहले भेज वाला आप लोगों को दिखा दिया है, ये नॉन वेज थोड़ा ठंडा हो गया है। ये देखिए कितना अच्छा से बना है, बिल्कुल सॉफ्ट क्रिस्पी। नीचे से सॉफ्ट है, ऊपर ये क्रिस्पी है, और ये जालीदार स्पॉन्जी बन गया है। कितना अच्छा से बना है ये अंडा वाला, फूला था।